बबीना में नेशनल हाईवे पर महज 24 घंटे में तीसरा सड़क हादसा हुआ। पहला रात्रि में अनियंत्रित होकर एक कार डिवाइडर से टकराते हुए जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सुबह ललितपुर की ओर से आ रही बेतबंती बस ट्रक से जा टकराई है, जिसमें कि 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों को गंभीर हालत में जिला झांसी रेफर किया गया है। तीसरा सड़क हादसा बड़ा हादसा होने से बच गया है। वहीं BHEL चौकी क्षेत्र में जब एक ट्रक का पहिया अचानक निकल गया, जिससे ट्रक हाईवे पर पलट गया और रोड जाम हो गया है, जिसमें कोई हानि नहीं हुई है। नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा बताया जाता है कि नेशनल हाईवे 2644 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बड़ा हादसा हुआ। जब एक बस लकड़ादेव मंदिर के पास पहुंची तो वहां पर पहले से खड़ा एक घंटे पीछे से टक्कर मारी है, जिससे ललितपुर से झांसी की ओर जा रही तेज गति से आ रही इस बस का संतुलन बिगड़ गया और जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 20 सवारियां घायल हुई हैं, महिला व पुरुष 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। आनन फानन में बबीना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की टीमें पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना पहुंचाएगा, चिकित्सा की जांच की गई है। ये क्या हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा, कोई घायल वगैरह तो नहीं है? क्या हुआ है, बस का एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस से झांसी जा रही थी जी, कैंटीन में रखा था, उसे मार दिया पीछे से। हाँ, पीछे। तो गलती किसकी है? गलती मालूम ही बस वाले ने मार। कितनी स्पीड रही होगी? स्पीड तो कम होगी, ज्यादा होगी, कम नहीं है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? लगभग 15-20 लोग घायल। कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? तो बस वाले ड्राइवर मौके से भाग गया है कि है? सारे लोग भाग गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? गिसौली से झांसी जा रहे थे। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? मतलब पीछे ट्रक वाले ने मारी है, बस वाले ने मारी है? बस में आप नहीं थे? क्या नाम है मैडम आपका? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस वाले ने खड़े बस तेजी से जा रही थी और जो ट्रक खड़ा हुआ था उसी में जाके मार दी, उसने ब्रेक लगा दी सीधा ट्रक में खड़ा और सारे पैसे। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस पूरा कला बस है, ये झांसी जा रही है। कंटेनर था या डीजल वाला? ट्रक था। कितने लोग थे सवार बस में? बस में काफी 50-60 लोग थे। आपके साथ में कितने लोग घायल हैं? काफी लोग घायल हैं, सभी लोगों को थोड़ी बहुत चोटें लगी, ऐसा कोई नहीं जिसे चोटें नहीं। पुलिस और चिकित्सा सुविधा कितनी देर में पहुंच गई आपके पास? 15-20 मिनट में अंदर सारे लोग। मतलब सूचना मिलते ही साथ पहुँच गई? यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।